जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आज का टॉपिक है ईश्वर का संदेश। ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं हमारे द्वारा, वो आपको क्या बताना चाहते हैं? अब देखिए, हम सबको कहीं ना कहीं ईश्वर के गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कोई परेशान हो गया है, कोई ज़िंदगी से निराश हो गया है, कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर परेशान है ना? तो समय समय पर हमें गॉड गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आ गए हैं और आपको बस लंबी सी गहरी सांस लेनी है, ईश्वर का नाम लेना है। आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए कि वो सही पाइल को चूज़ करने में आपकी मदद करें, ठीक है? और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको हमारे द्वारा, इस रीडिंग के द्वारा कोई रास्ता दिखाएं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो, ठीक है? उसके बाद आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। द यूनिवर्स का क्या मैसेज होगा आपके लिए ये बताने वाले हैं। तो आपको एक पिक्चर चूज़ करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जब आप अपना वही पाइल देखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है जिस पाइल को आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुन कर देखिए। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है तो थोड़ी समझदारी तो बनानी पड़ेगी ना, थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से पिक्चर को और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। आप जिन्हें भी मानते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, वो हमारे थ्रू आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बहुत कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बहुत कम है, ठीक है? डियर, चलिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ होगा, 2 तारीख को हुआ होगा, 20 तारीख को, 29 तारीख को, और 8 तारीख को, 10 तारीख को, 25 तारीख को, 16 तारीख को, 6 तारीख को, 21 तारीख को, 28 तारीख को, 5 तारीख को, ठीक है? और देखिए, यहाँ पर अब हम बर्थ मंथ की बात करते हैं। फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, मई, सितंबर, ठीक है? तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, आपके नाम का पहला अक्षर। अब ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं, जिससे आप श्योर हो सके कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ ये रीडिंग मुझसे मैच हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझसे मैच हो रही हैं, तो ये रीडिंग मेरी है, ठीक है? आपके नाम का पहला अक्षर ए हो सकता है, एच हो सकता है, टी हो सकता है, आर हो सकता है, पी हो सकता है,
एन हो सकता है, डी हो सकता है, ओ हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ गया है, हर रिश्ते से, हर इंसान से, कहीं ना कहीं भगवान से भी। हाँ, जैसे कि भगवान से भी आपका विश्वास उठता जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जैसे कि लाइफ स्टक है, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, न रिश्ते में, न परिवार में, न करियर में। आप चाहते हैं कि एक ग्रोथ हो, आप चाहते हैं कि औरों की तरह आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, एक सक्सेसफुल इंसान बने, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्यार हो, लेकिन चीज़ें जैसे कि रुकी पड़ी हैं एक जगह। आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आपको लगता है कि हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि शायद और पीछे चले गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसी वजह से अभी जहाँ रहते हैं, आपको कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिस घर में मैं रहता हूँ ये घर मेरे लिए अशुभ है, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं आपको लगता है कि आपको कहीं और जाकर कुछ करना चाहिए। हो सकता है कि ये जगह ठीक ना हो, रिश्तों में भी मधुरता नहीं है, रिश्तों में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं हर एक चीज़ से। जैसे आप पहले हुआ करते थे, अभी आप ऐसे नहीं हैं। हर इंसान आपको पहले की तरह देखना चाहता है, लेकिन समय ने आपको इतना बदल दिया है कि आप खुद भी पहले की तरह नहीं हो पा रहे हैं। कोई है, कोई बहुत है ऐसा स्ट्रिक्ट सा इंसान जो बहुत रूड है, और कहीं ना कहीं उसने आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जैसे कि उसकी एज बताते हैं, कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, स्पेशली कोई लेडी है, बहुत सारे लोगों के लिए इनकी एज है 35+, ठीक है। ये एयर साइन के हैं, एयर साइन के हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रूड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और जैसे कि इनके सीने में दिल नहीं है। हाँ, इनके सीने में दिल नहीं है, ये किसी की जज्बातों की कद्र नहीं करते, और इनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसी वजह से आप दिन प्रतिदिन डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। और उस इंसान ने आपको इस कदर परेशान करके रखा है कि आपका हर रिश्ते से विश्वास उठता जा रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हों, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ ने आपको बहुत परेशान करके रखा है, इसी वजह से अब हर किसी के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है आपका, कि जब मेरे इतने करीब रहने वाले लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं औरों पर क्या यकीन करूं। यहीं पर हम आपके नेचर को देख रहे हैं, तो आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। पहले आप ऐसे हुआ करते थे कि किसी भी समस्या का समाधान आप आसानी से कर लेते थे, और आप हमेशा महसूस करते थे कि ईश्वर आपके साथ हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए कभी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब आजकल आप बहुत हेल्पलेस फील करने लगे हैं, अब आपको लगता है कि कोई आपको समझता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन आपका आत्मविश्वास मरता जा रहा है, और एक तो ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, जितनी एक इंसान के ऊपर अकेले नहीं होनी चाहिए। आप अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लाद रखा है, आप अकेले ही लगता है कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, और इसी वजह से आपको हर वक्त टेंशन रहती है। आप कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं कि अब सब कुछ कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जब अपने हमारे साथ ऐसा करते हैं ना, तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गैरों की बातें आपको कभी भी हर्ट नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, क्योंकि गैरों से आप कोई भी उम्मीद नहीं रखते, आप दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन इंसान अपनों से तो उम्मीद करता ही है ना। अपनों से तो उम्मीद नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा इंसान। और यही हो रहा है आपके साथ कि अब आपके अपने ही आपके साथ वफा नहीं कर रहे हैं, आपके अपने ही आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग किसी रिश्ते के ख़त्म हो जाने की वजह से बहुत परेशान हैं, और आपको लगता है कि आपने तो उसके बिना जीना ही नहीं सीखा, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ये है कि शायद आप किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें जस्टिस कब मिलेगा। आप किसी जस्टिस की उम्मीद में बैठे हुए हैं, और इसी समय पर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। एक तो आप कभी कभी दूसरों का गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं, और ये आपकी बहुत बुरी आदत है। आपको पता है, दूसरों के चक्कर में जिन्होंने आपको हर्ट किया, और आप उन्हें हर्ट कर देते हैं जो आपको प्यार करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर सब कुछ बहुत स्टक है, बहुत टॉक्सिक चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बंधा सा महसूस कर रहे हैं, आप ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे, अब सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे, और रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा अनमन हो रही है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एक महीने आप और रुकिए, अभी आपको कहीं नहीं जाना है। रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी बिजनेस है, या फिर अभी आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर आपने जो व्यवहार कमाया है, समझ रहे हैं, या फिर आपने जो पोजीशन बनाई है उसके लिए कितना वक्त दिया है आपने, या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर आप उस जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम सही नहीं है, इसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक महीने और रुकिए। इस एक महीने में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या तो आपकी जॉब छूटेगी तो, लेकिन तब जब आपको इससे भी बेहतर जॉब मिल जाएगी, ठीक है, और या तो इसी में आपको एंजल्स सक्सेस दिलाएंगे, लेकिन आपको कुछ उपाय करने होंगे, आपको कुछ उपाय करने होंगे, ठीक है। जितने लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है, उनके करियर से रिलेटेड लाइफ स्टक है, आपको बृहस्पतिवार वाले दिन एक कागज़ में थोड़ी सी 2-3 पिंच हल्दी लेनी है, कागज़ में फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और किसी भी पीपल के नीचे, किसी भी पीपल के नीचे उस हल्दी को चढ़ा देना है और प्रणाम कर लेना है। जो भी समस्या है उस पीपल को बता देना है, हल्दी चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़िए और समस्या बता दीजिए, और आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए। जैसे कि आपकी जो समस्या है कि करियर में सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, फैमिली में अनमन बहुत ज़्यादा है, प्रेम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी, वो आप बता दीजिए। उसके बाद आप वहाँ से चले आइए, पीछे पलटकर आपको तब तक नहीं देखना है जब तक आप अपने घर के अंदर ना चले जाएं, ठीक है। आपको हल्दी चढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पीपल को बताकर, हल्दी चढ़ाकर आप हर बृहस्पतिवार चले आइए। कुछ लोगों के लिए हम कहेंगे कि अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं महादेव की बहुत ब्लेसिंग होती है इसमें, अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, अगर आपके करियर में आपको इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर आपको फील होता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है और चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, महादेव कहीं ना कहीं हमारे द्वारा आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ये काम करिए, इससे आपको
कहीं ना कहीं राहत देखने के लिए मिलेगी। अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उससे भी आपको राहत देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आपको अपने घर से शुद्ध हल्दी ले जानी है, वो हल्दी मत ले जाना जिससे भोजन बनता है डेली डेली, दाल में सब्जी में हल्दी जो डालते हैं, जूठी हल्दी नहीं होनी चाहिए। अपने ही घर से हल्दी ले जाना, लेकिन साफ़ सुथरी हल्दी ले जाना है, ठीक है। टर्मरिक पाउडर, उसको आपको पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है हर बृहस्पतिवार को, ठीक है, और हर शनिवार को। हर शनिवार को अपने घर के बाहर या फिर छत पे, या फिर अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है, ठीक है, तो वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और किसी भी काले कुत्ते को 3-5 ऐसे करके रोटियाँ खिलाइए, ठीक है। भर पेट भोजन कराना है किसी भी काले कुत्ते को। आपको पता है काले कुत्ते को भोजन कराने से कई फायदे होते हैं। एक तो भैरव बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं आप किसी बेजुबान का पेट भर रहे होते तो उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। कुत्ते को भोजन कराने से आपके जो शत्रु होते हैं, जो नेगेटिव, जो टॉक्सिक लोग आपके पीछे पड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके जो मंसूबे होते हैं ना, वो नाकामयाब होते हैं। किसी का टोना टोटका, ब्लैक मैजिक कट जाता है काले कुत्ते की ब्लेसिंग से, समझ रहे हैं। तो आपको काले कुत्ते को हर शनिवार भोजन कराना है, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और हर बृहस्पतिवार आपको पीपल के पेड़ पे हल्दी चढ़ानी है, ठीक है, और चुपचाप चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उन सभी लोगों को करना है जिनके घर में उन्हें नेगेटिविटी फील होती है, उन्हें लगता है कि हमारे घर को बांध दिया गया है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, हमारे ऑफिस में किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, हमारी शॉप पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, हमारी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए 100% वर्क करेंगी, ठीक है। अब चलिए हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जिनका विश्वास किसी अपने ने तोड़ दिया है, हाँ आप बहुत स्ट्रक हैं, जो है कोई अपना ही जो शायद आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और आपको उससे इनसिक्योरिटी भी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बुरा कर सकता है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ सोच सकते हैं, वो मन के लड्डू खा सकते हैं, ये हम ये करेंगे ये करेंगे, पर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपने जितने भी पुण्य कर्म करे हैं अब तक, उन सबकी ब्लेसिंग, वो सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपने अब तक जितने हेल्पलेस लोगों की मदद की है, उन सबका आशीर्वाद आपके साथ है, और यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इस ब्रह्मांड की जो भी पॉजिटिव सोल हैं, स्पिरिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं नेगेटिव एनर्जीज से, ठीक है। और ईश्वर कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप ना किसी को बुरा कहें, ना किसी को भला कहें, ना उस इंसान के बारे में किसी से कुछ बताएं, आप सिर्फ इतना करें कि आपके जो भी धारणाएं हैं, आपके जो भी विचार हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ईश्वर को मत बताइए कि कैसा होना चाहिए, आप बस ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। जब आप समर्पित कर देंगे तो फिर मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप उन्हें समर्पित कर देते हैं कि अब आप करिए, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब आप करिए, तो फिर वहीं से मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज सपनों के द्वारा उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल 1-2 साल पहले आपने किसी अपने को खोया है जो कि आपके बहुत करीब थे, कुछ लोगों के माता पिता, कुछ लोगों के भाई बहन, कुछ लोगों के दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जिनसे भी आप बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो आपसे आपके सपनों के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको उसे समझना होगा, ये आपके ही फैमिली के मेम्बर हैं जो आपको सपनों के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पूर्वज सपने में दिख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ पर गणपति बप्पा आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे,
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ऑब्स्टकल्स थे, उन सब को रिमूव किया जा रहा है, उन सब को क्लीन किया जा रहा है, और जितनी भी हायर लेवल की सोल्स हैं, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, वो सब आपका सपोर्ट कर रही हैं, वो सब आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट कर रही हैं। बस आप पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए, समझ रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव स्पिरिट्स आपसे बहुत खुश होती हैं, और यूनिवर्स का आभार व्यक्त करना कभी भी मत भूलिए, हर वक्त एंजल्स का आभार व्यक्त करिए। अभी भी, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, चलिए वीडियो देखते देखते आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी जाति से हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, चलिए उनका नीचे नाम लिखिए और कहीं ना कहीं उन्हें थैंक यू बोलिए। अभी आप ग्रैटिट्यूड सेंड करिए उन्हें इसी वक्त, शिकायत नहीं, ग्रैटिट्यूड उस हर चीज़ के लिए जो आपको मिली है, और लोग उस चीज़ के लिए मोहताज हैं। शिकायतें तो दुनिया करती है, आप शिकायत मत करिए, आप आभार व्यक्त करिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर दरिद्रता होती है। गरीबी अलग बात होती है, दरिद्रता अलग बात होती है, समझ रहे हैं। गरीबी ये होती है कि बहुत कम है हमारे पास लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं कि ठीक है, लेकिन दरिद्र वो होता है जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी उसकी नियत हमेशा दूसरों के पैसों पर टिकी रहती है, फिर भी उसकी नियत दूसरे के धन पर, दूसरों की प्रॉपर्टी पर ख़राब रहती है कि काश ये मेरी हो जाती, ये मेरा हो जाता, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता अपनी लाइफ से। तो वो लोग दरिद्र होते हैं जो और की दौड़ में अपनी पूरी ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स के प्रति, जितनी भी आत्माएं आपके आसपास रहती हैं। आपको पता है पृथ्वी का सुई बराबर भी ऐसा कोई कोना छूटा नहीं है जहाँ पर कोई आत्मा बैठी ना हो। अभी आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों सोल्स बैठी हुई हैं, आप अकेले नहीं सुन रहे हैं हमें, हज़ारों सोल्स आपके साथ हैं। इसमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। क्यों? अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव स्पिरिट्स आपके आसपास रहना पसंद करेंगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तो फिर नेगेटिव सोल्स आपके आसपास रहना पसंद करेंगी। जैसा होता है ना कि हम लोग अपने टाइप के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। मान लीजिए अगर हम इस धरती से चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, तो हम किसके आसपास रहना पसंद करेंगे? जो लोग हमारे जैसे होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, हम उनके साथ रहना पसंद करेंगे, उनकी मदद करना पसंद करेंगे। अगर हम नेगेटिव होते तो हम पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनसे हमारी बनती नहीं है, न जीते जी बनी न मरने के बाद बनेगी, तो फिर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव स्पिरिट्स रहती हैं, और आप फील भी करते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छी आत्माएं हैं। तो अभी भी बहुत सारी अच्छी स्पिरिट्स हैं आपके साथ, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया, आप मुझे आगे भी देते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है, आप बस अपना आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बनाए रखिए, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। इस तरह से उनका आभार व्यक्त किया कीजिए, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी जस्टिस की उम्मीद देकर बैठे हैं, उनके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, तो उन्हें लग रहा है कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अभी भी नेगेटिव चीज़ें ही सोच रहे हैं। जस्टिस देना ना देना हमारा काम है, आप किसी को जस्टिस नहीं देंगे, हम देंगे उसके कर्मों के आधार पर, हम उसे उसके कर्मों का फल देंगे। तो आप उसके बारे में सोच कर उसके ही जैसी एनर्जी को और मैनिफेस्ट मत करिए, आप अपने बारे में सोचिए। इस वक्त आप उनके बारे में सोच रहे हैं जो टॉक्सिक लोग हैं, कि पता नहीं वो उनके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी भी आप उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप उन्हें अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें बलशाली बना रहे हैं, उन्हें पावरफुल बना रहे हैं अपनी एनर्जी देकर। आप उनके बारे में सोचते हैं तो वो और पावरफुल बनते हैं, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ कहना चाहते हैं आप उनके बारे में ना सोचिए कि मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। इस वक्त आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफर मिल रहा है किसी भी चीज़ का, आप उसे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है। हो सकता है कि हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ठीक है,
बहुत धोखा दिया, बहुत दर्द दिया, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो अपनी लाइफ में खुश है, मस्त है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी आप उसे अटेंशन दे रहे हैं। और वहीं पर आपको कोई पसंद करता है, आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, शायद वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो डियर, उसके बारे में मत सोचिए, इसे एक्सेप्ट करिए, ये आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है और आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हो सकता है कि करियर से रिलेटेड हो, या लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फैमिली से रिलेटेड हो। तो अभी जो भी आपको प्रेम दे रहे हैं, उनका प्रेम स्वीकार करें, उनके बारे में ना सोचें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ईश्वर यहाँ पर आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि हैं तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हैं, आप एक स्टार सीड हैं एक तरीके से, लेकिन आप यहाँ पर आकर बुरी तरह से फंस गए हैं, समझ रहे हैं, आप बुरी तरह से फंस गए हैं। अब यहाँ पर आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी संगत का आप पर असर होने लगा है। तो अगर अभी भी आपकी आंखें खुल गई हों, आपके कान खुल गए हों, आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के स्वार्थ के साथ ही होते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए और अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य को समझिए, इस धरती पर जन्म लेने के उद्देश्य को समझिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर अभी भी आपको समझ में आ गया है तो, अगर आपका इल्यूजन टूट गया है तो, ठीक है, अब तक तो आप बहुत कुछ अनुभव कर चुके होंगे, रिश्तों को लेकर, और भी जो लोग होते हैं आसपास, हर चीज़ में आपको अच्छे से एक गहरा अनुभव मिल चुका है। तो इस वजह से अब गहराई से सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचानक से सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सडनली आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है, आपकी ज़िंदगी में सडनली इन 10 डेज़ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, समझ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपके लिए बेहतर है, आपको इसके लिए 555 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, समझ रहे हैं। ज़िंदगी जब किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही होती है तो हमें 555 555 बहुत ज़्यादा दिखता है। कभी कभी जब ये चेंज होता है तो हमें लगता है कि नेगेटिव है हमारे लिए। मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक पर्सन हमारी लाइफ में है और सडनली हमें 5 5 दिख रहा है, तो हो सकता है कि उस टॉक्सिक पर्सन को ईश्वर हमारी ज़िंदगी से हटाने वाले हैं। हमें बुरा लगेगा क्योंकि हमें अभी नहीं लगता कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि अभी हमें उससे बहुत अटैचमेंट है, तो हम उसे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो आपकी ज़िंदगी नर्क कर देता है, इसके पहले ईश्वर ने आपको बचा लिया। तो बस इतना समझिए, 10 डेज़ में आपकी लाइफ में जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा, उसे बिल्कुल पॉजिटिव वे में ही लेना, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ईश्वर कहना चाहते हैं आपसे कि बेवजह ही ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़रूरत से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर मत ला दिए। आप यहाँ ज़िंदगी जीने आए हैं, ज़िंदगी को झेलने नहीं आए हैं, ज़िंदगी को जियो, काम करो, लेकिन इतना मत करो कि काम तमाम हो जाए आपका खुद ही, समझ रहे हैं। काम करो लेकिन खुद को भी आराम दो, आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, अपने आप से भी प्रेम करो। आप जानवर नहीं हो कि दिन रात काम काम काम, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती है, कहीं घूमने चले जाओ 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, कहीं बाहर टहल कर आओ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ। ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेने की खुद पर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ज़्यादा बोझ लाद कर आप रातों रात करोड़पति नहीं बन जाएंगे। जो मिलेगा सब समय के साथ ही मिलेगा, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा खुद को भी प्रायोरिटी दो, ज़्यादा खुद को परेशान मत करो आप, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आज का जो समय है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप ऐसे ही रोएंगे। ये जो समय है ना, यहाँ पर दिमाग से चलना है। आप पैसे कमाना चाहते हो, पैसे तो ज़मीन में पड़े हुए हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो आप कमा लोगे।
आपको पता है दुनिया दिमाग से बहुत पैसे कमा रही है। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो एक घंटे में दिमाग से 5,000 रुपये कमा लेते हैं। देखिए, फेथ तो रखना पड़ता है, ट्रस्ट तो रखना पड़ता है, पेशेंस तो दिखाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मुझे बता दो कौन सा है वो दिमाग वाला काम, दिमाग तो मेरे पास बहुत है। होगा आपके पास दिमाग, लेकिन आप अपने दिमाग को बेकार के कामों में लगाते हैं, बेकार की चीज़ों में वेस्ट करते हैं, है ना। और एक वो इंसान है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तब कहीं उसे 500-400 रुपये मिलते हैं। तो दो तरह के लोग हैं। अब आपको, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जो दिन भर मेहनत करने के बाद 500 रुपये कमाते हैं वो, या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक घंटे में 5,000 रुपये कमा सकते हैं वो, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चले, तो मेडिटेशन करिए, 1 महीने मेडिटेशन करिए, आपका दिमाग आपको उस जगह पर पहुंचा देगा जहां पर आप 1 घंटे 5,000 रुपये कमाएंगे। समझ रहे हैं, 1 घंटे में आप 5,000 रुपये कमाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं आजकल ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जहाँ पर आप अपने दिमाग से लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं, अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। फेथ तो रखना पड़ता है, पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो ईश्वर का ये संदेश है स्पेशली पाइल नंबर 1 के लिए। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स, आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं, जिन्हें भी, वो आपको हमारे द्वारा क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो डियर, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एडीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है लेकिन बहुत कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, चलिए आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डियर, आपका जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख और 26 तारीख को हुआ होगा। और देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है 5 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख और 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख। ठीक है, इस डेट में आपका जन्म हुआ होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब बात करते हैं बर्थ मंथ की, मई, मार्च, सितंबर, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, जून, फरवरी, अगस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके नाम के पहले अक्षर की बात करते हैं, टी डब्ल्यू ए एन के जी आर एस क्यू डी पी ओ और एच। ठीक है, ये है इनिशियल, ये है आपके नाम का पहला अक्षर। कभी कभी देखिए डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, कभी कभी नहीं मैच करती, लेकिन रीडिंग मैच कर जाती है। आज ही हमारे पास किसी का मैसेज आया था, वो हमसे पूछ रहे थे कि दीदी डेट ऑफ बर्थ तो मैच हुई नहीं लेकिन रीडिंग पूरी मैच हुई, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो रीडिंग मेरे लिए थी? 100% वो रीडिंग आपके लिए थी।
कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, कभी कभी नहीं करती है, कभी कभी रीडिंग मैच करती है, कभी कभी नहीं करती है, तो कोई टेंशन नहीं, आप अपनी समझदारी दिखाइए, है ना। जो चीज़ें मैच करती हैं आपसे, जो बातें लगती कि हाँ ये हु बहू मुझसे मैच कर रही है, ये मेरे लिए है, तो उसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस ज़रूर होगा। बस आप अपना गाइडेंस ले लो, जो मैच नहीं कर रहा है वो शायद किसी और के लिए होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जर्नल रीडिंग होती है। चलिए सबसे पहले हम आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखते हैं, उसके बाद ही तो आप इस रीडिंग को जोड़ पाएंगे खुद से कि हाँ ये मेरे लिए है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन अफसोस कि आप किसी को बता नहीं सकते, अफसोस कि आप किसी को जता नहीं सकते। शायद आपको लगता है कि अगर मेरे आंसू किसी ने देख लिए तो वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जैसे कि रोना चाहे रोना पाए, रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है किसे पता है, कौन बताए रब को क्या मंजूर है, रोना चाहे रोना पाए। ये सिचुएशन है कि रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है, बहुत स्टक हैं, कुछ हो गया है ऐसा जो आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई हमें। बचपन में कोई दिल तोड़ता था तो रो लिया करते थे, कोई डांटता था, कोई मारता था तो रो लिया करते थे, कोशिश करते थे कि सबको दिखा दिखा के रोए, जिससे जिसने डांटा है उसे भी डांट पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके पापा ने डांटा, तो आप रो रो कर दादी को बताओगे, मम्मा को बताओगे, दादाजी को बताओगे कि मुझे पापा ने डांटा, है ना। तो हम कोशिश करते थे दिखाने की। बचपन में रोना कितना आसान था, और आज ऐसी वजह की वजह से हमें आंसू आते हैं, आज ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती है हमारी ज़िंदगी में कि रोना बहुत आता है लेकिन अब आंसू छुपाने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम रो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कोई जान ना पाए और हम अपने आंसू पोंछ लें, अपने दर्द को भी अंदर सहकर ऊपर से हमें स्माइल देनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ पर पता है 9 of Swords 2 बार आया है, इसका मतलब ये है कि बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं आप, रातों में नींद नहीं आ रही है। जैसे कि यहाँ पर सच बताएं तो लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। आपको पता है करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, लेकिन अगर रिश्तों में बैलेंस हो, प्यार में, परिवार में, हर तरह से अगर बैलेंस हो और परिवार के लोग अच्छे हों, समझने वाले हों, या फिर हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो हमें समझता हो, वो हमें मोटिवेट करता हो, तो करियर में एक बार हमें हार भी मिल रही हो ना तो भी जैसे कि ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें समझते हैं, है ना, वो समझते हैं, हमें डीमोटिवेट नहीं करते, हमें समझाते हैं। लेकिन अगर हमारा प्यार ही हमारे ख़िलाफ़ हो, हमारा परिवार ही हमारे ख़िलाफ़ हो, अगर हमारा परिवार ही हमें ना समझे तो फिर पूरी दुनिया बेगानी सी लगती है, पूरी दुनिया बेगानी सी लगती है ना, क्योंकि हमें उम्मीदें अपनों से ही होती हैं कि वो हमें समझेंगे। और एक बार अगर करियर में हमें फेलियर का सामना करना भी पड़े तो भी वो हमें समझेंगे, लेकिन जब वो नहीं समझते तो बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अब हम यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी देख रहे हैं कि आप किसी को अपना सर्वस्व मान बैठे थे, किसी के ऊपर आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था, आपने अपने जीवन की पूरी बागडोर उसके हाथ में थमा दी थी। हमें नहीं पता कौन है,
आपने उस पर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था, समझ रहे हैं? लेकिन वो उस लायक नहीं था। आपको लगता था कि इसके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं आप, आपको लगता था कि इसके साथ मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही है। हाँ, कुछ लोगों के करियर को देखकर हम यहाँ पर ऐसा फील कर पा रहे हैं कि शायद आपका कोई बिजनेस पार्टनर था या फिर आपका कोई ऑफिस फ्रेंड, कोई भी करियर से रिलेटेड आपको किसी ने कोई कमिटमेंट दिया था कि वो ऐसा ऐसा करेंगे, और आपने बड़ी होप बना ली थी, बड़ी उम्मीदें रखी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ये मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। जैसे कि आपको बस ये लग रहा था कि ये तो मेरे साथ है ही, और अगर ये मेरे साथ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे डेफिनेटली 100% सक्सेस मिलेगी, ये सोचा था ना। लेकिन डियर, वो हो नहीं पाया। वो इंसान आपको धोखा दे गया, वो इंसान अपना असली चेहरा दिखा गया, अपनी असलियत दिखा गया, और इस वक्त आपको नींद नहीं आ रही है, रातों में नींद नहीं आ रही है, आप उठ उठ के रो रहे हैं कि सब कैसे मैनेज करेंगे, सब कैसे करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता टूट गया है, हाँ कुछ लोगों का यहाँ पर रिश्ता टूट गया है, आपका रिश्ता टूट गया हो, आपके परिवार में किसी अपने का, आपके किसी अपने का रिश्ता टूट गया हो, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत परेशान हैं। और शर्त ये भी है कि रोना तो है पर दिखाना नहीं है, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, दिखा भी नहीं पा रहे हैं। पहले बचपन में आंसुओं की वजह रो रो कर भी बता दिया करते थे, लेकिन अब तो छुपाना पड़ता है कि कहीं कोई आंसुओं की वजह ना पूछ ले। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे इंसान से बेहद प्यार कर बैठे थे जो उनकी सोल लेवल का था ही नहीं, जो महज बहुत बचकाना, बहुत इमेच्योर पर्सन था, जो सिर्फ आपको पाना चाहता था, आपको यूज़ करना चाहता था, समझ रहे हैं? आपको पता है दुनिया बहुत आगे निकल गई है, आज के टाइम पे लोग किसी को इस्तेमाल करने के लिए वाह वाह ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि हे भगवान, इससे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, वो आपकी इतनी केयर करेंगे, वो इतना दिखाएंगे कि पूछो ही मत। और कुछ होते हैं मासूम, भोले भाले, इनोसेंट लोग जो बातों में आ जाते हैं, जो बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में वो बहुत रोते हैं, बाद में बहुत रोते हैं। ऐसा ही यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हुआ है। कोई था, इमेच्योर पर्सन था, बस उसे बातें बनानी बहुत आती थी, बातें करने बहुत एक्सपर्ट था। उसने कहीं ना कहीं अपनी बातों में आपको रिझा ही लिया, उसने अपनी बातों में आपको फंसा ही लिया और आप फंस गए। लेकिन आपको पता है वो कभी आपसे दिल से जुड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ आपको शारीरिक लेवल पर प्यार करता था, वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता था, वो सिर्फ एक तरीके से आपके साथ टाइम पास कर रहा था, और आपने उसको बहुत कुछ समझ लिया। लेकिन अब आजकल आप बहुत परेशान हैं उसकी वजह से, वो आपके लेवल का था नहीं, आपने अपनी लेवल के इंसान से प्यार किया नहीं, और आप उसके साथ लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत हद तक आगे बढ़ गए, और आज वो इंसान आपके आंसुओं की वजह बना हुआ है। या तो उसने आपको आपका दिल तोड़ दिया है, या फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं पर किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आप में से ही कुछ लोगों की सिचुएशन अब ऐसी है, शायद जैसे कि एक होता है ना कि संसार में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि सक्सेस पाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, हर किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मन भर गया इन चीज़ों से। आपको लगता है कि ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों में। आप जैसे कि अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अब जैसे कि आप अकेले जीना चाहते हैं। एक होता है ना कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। तो अभी आप ना संसार से विमुख हो रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ऐसा मन हो रहा है कि किसी से ना बात करो, ना किसी से मिलो, ना किसी की शक्ल देखो, बस चुपचाप अकेले रहो। आपका मन हो रहा है कि कहीं दूर चले जाएं। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं,
आप टूट गए हैं स्पिरिचुअलिटी से, इसी वजह से आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपका मन बहुत अशांत था और कहीं ना कहीं आप जिन्हें मानते हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, उन्होंने आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से जोड़ दिया है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी ऐसे इंसान से मिले हों जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसकी बातों से आप बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए, YouTube पर ही हज़ारों मोटिवेशन देने वाले वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे टैरोट रीडर भी मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारे तो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हमारी सोल फैमिली के मेंबर हैं। तो हो सकता है कि आप हमारी बातों से ही मोटिवेट हो रहे हों, है ना। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया है, और ईश्वर अब आपसे ये कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, आप इस वक्त जो खुन्नस लेके मन में बैठे हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब ठीक है, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आप जो किसी के लिए मन में खुन्नस लेकर बैठे हैं, एक क्रोध, एक गुस्सा लेकर बैठे हैं, कोई भी हो, दोस्त हो, परिवार का कोई मेंबर हो, लाइक जिससे आप प्यार करते थे उसने आपका दिल तोड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आपको पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपने भी हाथ मिलाया होगा तभी बची है, तो आपकी भी तो गलती है ना, आप नहीं समझ पाए, आपकी उस वक्त इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं थी। तो अभी अपनी गलती को स्वीकार करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए कि हाँ, ये मेरी गलती थी और इसी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आप उसे माफ़ भी कर दीजिए। क्यों उस टॉक्सिक इंसान की बातें, उस टॉक्सिक इंसान की यादों का बोझ लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पता है, हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वो बलशाली होंगी और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट भी होंगी। मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली सोचते रहें पॉजिटिव होकर। अब आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स को क्या क्या मैसेज मिल रहा है? यूनिवर्स को ये मैसेज मिल रहा है कि शायद आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से आप इसके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको वो और भी ज़्यादा दे देंगे। तो आपको ऐसे घटिया लोगों के बारे में सोचकर अपना दिन, अपनी रात खराब नहीं करनी है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, और उसे माफ़ कर देना है। उससे किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना दोस्ती का और ना दुश्मनी का। रिश्ता कोई भी हो, दोनों ही खतरनाक हैं, या दोस्ती हो या फिर दुश्मनी हो, आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से रहित हो जाइए। जैसे कि ना आपकी किसी से दुश्मनी है, ना आपकी किसी से दोस्ती है, कुछ नहीं है, आप बस अकेले मस्त हैं, अकेले स्वस्थ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग इन चीज़ों को इतना सीरियस ले लेते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, लाइक सुसाइड जैसे, उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं कैसे जीऊँगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें लेसन देने के लिए दी जाती हैं, समझ रहे हैं, जिससे हमें एक अनुभव मिले, जिससे हमें एक सबक मिले। बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दुख झेला, दुख देखा। ये सरासर झूठ होता है, हम बता रहे हैं क्यों होता है। एक तो मान लीजिए कि बचपन में दुख आया, फिर आगे भी दुख मिला, तब आप समझदार नहीं थे, फिर आप धीरे धीरे समझदार हुए, फिर आप वही सोचते रहे कि मुझे हमेशा दुख मिलता है, मेरी किस्मत ख़राब है, आप कमेंट में भी लिख के जा रहे हैं मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये हो गया। अब आप जो लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप उसी तरह की एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसे ही आकर्षित कर रहे हैं। जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है, और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है, है ना।
आपने सोचा तो ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है जो आपकी ज़िंदगी से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वरना ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। कभी ऐसा हुआ कि हमेशा रात ही रात बनी रही, दिन आया ही नहीं, सर्दी बनी रही, गर्मी आई नहीं, बारिश ही बनी रही, हैं? देखिए, यहाँ पर पतझड़ भी आता है, यहाँ पर सावन भी आता है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। ये तो प्रकृति का नियम है। चाहे आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओ, लेकिन आप ये तो सोचना ही छोड़ दो कि जीवन में दुख आएगा नहीं। भाई, प्रकृति इसी के संबल से चलती है। यही दो चीज़ें प्रकृति को बैलेंस करके रखती हैं। दुख आता है तो सुख जाता है, सुख आता है तो दुख जाता है। दुख एक बार दुख आया, एक बार सुख आया, सिचुएशन बदलती रहती है। ऐसे ही बदलती रहती सिचुएशन, लेकिन आप जब सुख आता है ना, तो उसे महसूस ही नहीं कर पाते। सुख तो छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाता है, खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाती हैं। बस खुशियाँ ढूंढने की कोशिश तो करिए आप। आपको लगता है कि मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं करोड़पति बन जाऊँगा, तो भाई सपने थोड़ा हिसाब से देखिए, छोटे छोटे सपनों से शुरुआत करिए। हाँ, आप कमाते नहीं 1000 रुपये, आप सपने देख रहे हैं 1,00,000 रुपये के, तो कैसे होगा? शुरुआत तो आपको 1,000 रुपये से करनी पड़ेगी ना। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये तो सरासर झूठ है कि भाई दुख हमेशा रहता है, सुख कभी आया ही नहीं। ऐसा नहीं है, आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, हम सबके जीवन में। अब हम आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता। हाँ, बिल्कुल आता है। ये जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इनके जीवन में दुख नहीं आता। आता है ना, पर ये आपकी तरह घबराते नहीं है, बैलेंस करके रखते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जाएगा, बहुत जल्द ये जाएगा, फिर सुख भी आएगा। किसी का भी बिजनेस हो, किसी की भी जॉब हो, उतार चढ़ाव, अप डाउंस हर किसी की लाइफ में आते हैं। कभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कभी सब कुछ बहुत ख़राब चलने लगता है। हाँ, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हम कभी कभी बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं, गॉड गाइडेंस की हो, और लव रीडिंग हो, करियर से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स करते हैं, और उसे महज हो सकता है कि 20,000 लोग भी ना देखें। हाँ, नहीं देखते एक समय पर। और कभी कभी हम भी जल्दबाजी में रीडिंग कर देते हैं, को वो 2-2, 3-3 लाख व्यूज़ पार कर जाए। हाँ, तो ये सब समय की बात होती है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करो तब भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, और कभी कभी आप ना करो तब भी अच्छा मिल जाता है। तो अप डाउंस चलते रहते, कभी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी नहीं आते। तो हम, पता है, पहले हम निराश होते थे। सच बताएं आपको, हम निराश हो जाते थे कि अरे हमने तो इतनी मेहनत की थी। आपको पता है, जो लोग वीडियो रीडिंग करते हैं ना, वो तो कैमरा लगाया, सेटअप बनाया, फटाफट कार्ड सफल किया और रीडिंग कर दी, आपको दिखा दी। उनकी रीडिंग हद से हद 1 घंटे की हो रही, 10 मिनट की हो रही, तुरंत हो गई। हद से हद उन्हें 1 घंटे लगेंगे एडिटिंग में। आपको पता है, हमें एक रीडिंग करने में, आप हमारी 1 घंटे की जो रीडिंग देखते हैं ना, हमें 5 घंटे लगते हैं। हम 5 घंटे के 5 घंटे की मेहनत के बाद इस रीडिंग को करते हैं। आपको पता है, हमें 1 घंटे की रीडिंग करने के लिए 3 घंटे का टाइम लगता है, 2 घंटे हमें एडिटिंग करने में लगते हैं। और मेडिटेशन तो खैर वो हमारी निजी संपत्ति है, मेडिटेशन तो हम करते हैं इस वजह से जिससे हम आप लोगों को सही चीज़ें बता सकें, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके, जिससे हम जो यूनिवर्स हमें इंट्यूशन देंगे, हम उन्हें समझ पाएँ और आप तक उन्हें पहुंचा पाए। इस वजह से मेडिटेशन तो अलग की बात है, पर हमें एक रीडिंग में 5 घंटे लगते हैं। और अगर उसे भी आप मन से नहीं देखते हैं, तो फिर हमें पहले दुख होता था, पर अब नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि अप डाउंस तो चलते रहते हैं। क्या परेशान होना, क्या ज़्यादा सोचना, है ना? कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो अब हमने बैलेंस बनाना सीख लिया, यही हम आपको बोलते हैं।
एक तो नेगेटिव लिखना छोड़ दो हमेशा कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख रहता है, दुख ही दुख रहता है। नहीं रहता, सुख भी आता है, लेकिन सुख को आप ध्यान से देखते नहीं हैं। दुख में आपके अंदर अवेयरनेस होती कि दुख आया, लेकिन जब सुख आता है तब आप खो जाते हैं दुनिया में, तब आपको होश नहीं रहता। और जिन चीज़ों से हमें बहुत प्यार होता है, जैसे सुख हर सबको प्यारा है, खुशियाँ किसी अच्छी नहीं लगती, सुख किसी अच्छा नहीं लगता। क्या होता है ना कि उसकी टाइमिंग बहुत फास्ट होती है, ऐसा लगता है कि यार ये तो जैसे कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल गया। तो उस वक्त आपके अंदर अवेयरनेस नहीं रहती तो वो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुख आए नहीं, आया था लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस नहीं थी। मान लीजिए किसी का इंतज़ार करने के लिए कह दिया जाए, किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो 10 मिनट लेट हो जाए तो आपको लगे कि 10 घंटे के बराबर हो गया 10 मिनट। लेकिन अगर वो आ जाए और वो आपके साथ 1 घंटे बैठा रहे तो आपको लगेगा अरे यार 10 मिनट में टाइम बीत गया। लगता है ना, ऐसा लगता है कि टाइम भाग रहा है। और जब इंतज़ार करना पड़ता है तो लगता है ओहो ये घड़ी भी इतनी स्लो स्लो क्यों चल रही है। फील किया ना आपने, ऐसे ही सुख और दुख का होता है। जब दुख के दिन आते हैं ना तो टाइम बहुत भारी सा लगता है, समय बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो दुख वाली परिस्थिति होती है। और जब सुख आता है तो फिर समय जल्दी जल्दी भागता है। बस इतनी सी बात है, तो समझ लीजिए, लिखना छोड़ दीजिए, हर किसी के सामने अपने घाव दिखाने छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं, मरहम किसी के पास नहीं है, नमक बहुत लोगों के पास है, मरहम उसी के पास है जो स्पिरिचुअल होगा। हो सकता है कि कोई फ़िलहाल के लिए आपके ज़ख्मों पर मरहम लगा दे, लेकिन उसका जो मरहम है ना वो आपके घाव को सुखाएगा नहीं, वो थोड़ी देर के राहत दे देगा, आगे चलकर फिर भी आप वही पीड़ा से गुजरते रहेंगे। तो हर किसी के सामने अपनी पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। नमक सबके पास है, मरहम सबके पास नहीं है। नमक घर घर में है पर मरहम घर घर में नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान बहुत सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जो लोग पार्टनर के लिए रो रहे हैं ना और उन्हें लग रहा है कि बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उस इंसान के साथ रिश्ते में थे जो कहीं ना कहीं दूर दूर तक आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, जो बहुत नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक, बहुत जैसे कि क्या बताएं, इमैच्योर पर्सन था। लेकिन अब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए हैं ना, आप मेडिटेशन करने लगे हैं, आप अपने अस्तित्व की पुकार को सुनने लगे हैं, आप समझने लगे हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, और आप सेल्फ लव करने लगे हैं, तो बहुत जल्द आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो आया जो आपके लिए बना है। समझ रहे हैं, जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा, एक तो आपके जो करियर की गाड़ी पटरी से उतर गई है ना वो पटरी पर आ जाएगी, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएगा आपको आपके करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये बहुत बड़ा साइन है, जब भी आपका ट्रू लव आपको मिलेगा, आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड, ये समझ लीजिए। अभी आपको अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ती हैं, हाइड करनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला समझ नहीं रहा है। लेकिन तब पता क्या होगा, वो आप कितना भी छुपाएंगे वो जान ही लेगा, वो समझ ही लेगा। अभी आपको सामने वाले के प्यार के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती, लेकिन वो आपको इतना प्यार देगा कि आपके सारे पुराने घाव, पुराने जख्म भर देगा अपने प्यार से, आपको खुशियाँ इतनी देगा कि आप भूल ही जाएंगे कि आपका पास्ट इतना बुरा था। समझ रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं मेरे बच्चे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरे लोग थे ना कहीं वो आपको एक सबक दे रहे थे, एक सीख दे रहे थे, उनको थैंक यू बोलो और लाइफ में आगे बढ़ो, उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा परेशान मत करो खुद को। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि हाँ जो हो गया सो हो गया, बस मुझे उससे आगे बढ़ना है, किसी को दोष नहीं देना है, ठीक है। आपकी जो भी डिज़ायर है डियर पायल नंबर टू, आपकी जो भी डिज़ायर है आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचिए, अपना फोकस, अपनी इंटेंशन, अपने एम के ऊपर रखिए। आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं,
आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं, कभी कोई बात हो गई, कभी कोई बात हो गई, कभी किसी बात में आपको परेशान करते, कभी किसी बात में आपको परेशान करते हैं, लेकिन आपको आपके मार्ग से भटकना नहीं है। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम तक पहुँचे, आप सक्सेसफुल इंसान बने, तो आपको लोगों की बातों को सुनकर अपना रास्ता नहीं भटकना है। बस अपने मन में एक धारणा बना लीजिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, मुझे आराम नहीं करना है। बस मुझे किसी और की सुननी नहीं है, कौन क्या बक रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसे कहने दीजिए। आप देखना, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप जो पाना चाहते हैं आप वो पा लेंगे। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत कुछ बोलती है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। अपने इंटरनल गाइडेंस को सुनने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सारे गाइडेंस देती है समय समय पर, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए, कोई इंसान हो, कोई भी हो, आपको खुद भी पता है कि कौन क्या है। आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे, उनका आंसर आपके पास है, ऑलरेडी उसका आंसर आपके पास है, लेकिन आप जैसे कि अभी भी सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, जैसे कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी इंसान का सच हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। तो फिर किसकी कमी है? आपकी कमी है ना। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप जानना चाहते हैं उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है, सच आपको पता है। अब आप इग्नोर कर रहे हैं, ये बात अलग है। और इग्नोर करेंगे तो फिर आगे चलकर दुख पाएंगे, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। देखिए, किसी रिश्ते की एंडिंग हुई हो, आपकी जॉब छूट गई हो, परिवार के लोग ना समझ रहे हों, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं किसी बात को लेकर, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपका मन हट रहा है हर चीज़ की तरफ से। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चल रहा है उससे भागिए मत, उसे फेस करिए। जैसे कि दुख आया है, परिवार में सब कुछ बहुत ऐसा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो हो रहा है, तो इस वक्त आप बैलेंस बनाने की कोशिश करिए और फेस करिए उन चीज़ों को, उनसे भागिए मत। टेंशन मत लीजिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हर एंडिंग के बाद एक अच्छी सी बिगनिंग होती है। बस आपने अंदर जो एक इल्यूज़न क्रिएट करके रखा है ना, आपने अपने अंदर जो एक इल्यूज़न बना के रखा है, एक भ्रम बना के रखा है, आपके जो भ्रम की दुनिया है, आपको उसे रिलीज़ करनी पड़ेगी। जैसे किसी चीज़ के बारे में आपने सोच रखा है ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, आपको भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके अंदर भ्रम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप सच्चाई देख कर भी नहीं देख रहे हैं, आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जैसे कि किसी को आपने अपना सब कुछ माना था लेकिन आज वो आपको परेशान कर रहा है, कोई भी डर है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो उसका सामना करिए, अपने डर का सामना करिए। जब आप डर का सामना करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, डर के आगे जीत है। सुना है ना, डर के आगे ही जीत होती है। जब तक आप डरते हैं ना, तब तक आप डर डर के ही जिएंगे। एक बार डर का सामना करिए, डर आपसे खुद डर के भाग जाएगा। बस डर का सामना करिए। जिस दिन आप डर का सामना करेंगे उसी दिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, स्पिरिचुअल चेंज होगा। आप तो जैसे कि सोच ही नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर इतनी पावर थी, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। माँ पार्वती सोचती थी कि मैं बहुत असहाय हूँ, बहुत हेल्पलेस हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इन दुष्टों का सामना नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्हें उनका महाकाली रूप याद आया तो वो खुद भी हैरान थी कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर इतनी पावर है। ऐसे ही आपके अंदर भी महाकाली हैं, आपके अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ है। तो आप डर का सामना करिए। जो लोग आपको डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, उनसे डर के दब के भागिए मत, उनका सामना करिए, है ना। भगोड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशंस को समझना है, उनका सामना करना है। और एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं,
दुख सुख आते जाते रहते हैं और हमें बस इसमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको अनुभव तो लेना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, क्योंकि आने वाली जो न्यू सोल्स होंगी, फिर आप उनके स्पिरिट गाइडर बनेंगे, फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए आपको भी तो पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, मार खानी पड़ेगी ना, कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। क्या आप पैदा होते ही टीचर बन जाएंगे? नहीं ना। ऐसे ही टीचर बनना है आपको आगे चलकर, बहुत सारी न्यू सोल्स को आपको रास्ता दिखाना होगा, तो उसके लिए पहले आपको भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। हमें पढ़ा कौन रहा है? ये प्रकृति हमें पढ़ा रही है, यूनिवर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हमें लेसन दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो हमें उन्हें समझना होगा, जिससे आने वाली जो न्यू जनरेशन होगी उससे हम एक सही रास्ता दे सकें, उन्हें हम गाइडेंस दे सकें अपने अनुभवों के बेस पर। दूसरों के अनुभवों पर कब तक जिएंगे? आपका अपना भी तो अनुभव होना चाहिए, है ना? और देखिए माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं एक बात और, अगर हो सके तो इस फ्राइडे को, अभी तो आज संडे है ना, इस फ्राइडे को आप किसी भी माँ भगवती के मंदिर में एक छोटा सा गुलाब का फूल चढ़ा देना जाके, ठीक है, और माँ से प्रार्थना कर देना, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप प्रे करना। स्पेशली अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो लव लाइफ से रिलेटेड है, तो शुक्रवार वाले दिन आप माँ भगवती के मंदिर में जाकर एक रोज़ एक गुलाब चढ़ा देना और माँ से प्रेयर करना, आपकी जो भी विश है, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा उसका। और अगर आपके घर में आपकी दादी हैं, आपकी माँ हैं, तो सुबह सबसे पहले उठ के उनके चरण स्पर्श करना, समझ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करना, उन्हें ग्रैटिट्यूड देना, उन्हें आभार व्यक्त करना हर एक चीज़ के लिए, भले ही उनका रूड बिहेव हो, लेकिन फिर भी आपको उनका ग्रैटिट्यूड करना भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं ना, तो माँ भगवती आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं, आपको कभी भी एहसान फरामोशी नहीं दिखानी है, है ना? कुछ भी हो, उनका नेचर कैसा भी हो, लेकिन वो आपकी माँ हैं, उन्होंने आपको 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर आपको ज़िंदगी दी है, उनका एहसान कभी मत भूलना और उनका आभार व्यक्त करना कभी मत भूलना। तो सुबह डेली उठकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किया करिए, उसके बाद ही कोई काम शुरू किया करिए। माँ के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं, तो जितना हो सके तो माँ का आशीर्वाद लीजिए। मदर हीलिंग आपके लिए जैसे कि एक मिरेकल का काम करेगी, माँ का आशीर्वाद, मदर ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है आपके करियर के लिए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।